नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ट्रिक्स एक्सपर्ट। दोस्तों, आजकल देश में कैटल फार्म और पोल्ट्री फार्म की संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में आप बहुत अच्छी तरीके से कैटल फीड का बिजनेस, यानी कि जो चारा होता है आपको मुर्गियों के लिए, गायों के लिए, बकरियों के लिए, उसका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कैटल फीड तैयार करने की यूनिट आप लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको कुल इसके लिए लगभग 4.14 लाख रुपये की खर्च होगी और आपको इसमें 1.38 लाख रुपये की यूनिट लगानी होगी और 2.76 लाख रुपये उसको बताओ वर्किंग कैपिटल आपको रॉ मटेरियल और तमाम चीज़ों पर लगाना होगा। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मात्र 20,000 रुपये लगाने होंगे। बाकी जो 15% है दोस्तों, वो आपको कैपिटल प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत सब्सिडी के रूप में मिल जाएंगी। वहीं 3.86 लाख रुपये का कैपिटल बैंक आपको लोन के तौर पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस बिजनेस में आप हर महीने नेट प्रॉफिट 20,000 रुपये के आसपास कर पाएंगे, जिससे आपको सालाना टर्नओवर लगभग 36 लाख के आसपास का जो ग्राफ है बिजनेस मॉडल के आधार पर वो आता है। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो ये बिजनेस आपके लिए काफी बेहतर है। देर मत करें, यह बिजनेस आप गांव में भी कर सकते हैं और शहर में भी कर सकते हैं और सेमी शहर में भी कर सकते हैं। सिंपली आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सा रूम चाहिए जहां पर दोस्तों आपको लगभग, जैसे मैंने बताया, रेट आपको 1 लाख से भी शुरू होती है। कुछ मशीन्स उसमें भी ऑटोमेटिक, सौम्य, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल, तीन तरह के होते हैं और लेवल भी होता है कितना आप प्रोडक्शन चाहते हैं, ठीक है। तो उस आधार पर आपको है, नीचे मैं एक लिंक आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। उस कमेंट सेक्शन में इंडिया मार्ट की लिंक है, जिसमें बंच ऑफ कई तरह के मशीन्स का आपको डिटेल मिल जाएगा, प्राइस के साथ एक अंदाज़ा आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर आपको दोस्तों सारे जितने भी आपको मैन्युफैक्चरर हैं उनके डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर और फोटो भी मिल जाएगा आपको मशीन का। तो आपको जो अच्छा लगे उस आप सब खरीद लें और मुझसे कुछ जानकारी चाहते हो तो आप बेझिझक बताएं अपने ज़िला और राज्य का नाम बताकर, ताकि आपके नज़दीक में जो इस तरह के चीज़ें होंगी या फिर अलग से कुछ योजनाएँ राज्य सरकार के हिसाब से कुछ होगा या फिर कोई कंपनी होगा बेहतर, तो मैं कोशिश करूँगा वो बताने का। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ आगे भी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी पूछना हो, बताना हो, सुझाव हो तो बेझिझक कमेंट में लिखे और को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले। अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।